हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं मेरा न्यू कैमरा कैनन R5। एंड मेरा रिव्यू जो आने वाला है वो थोड़ा 2-3 दिन के बाद आने वाला है। मैं यूज़ करने के बाद मैंने एक्चुअली कल ही लिया है एंड वीडियो आज हो रहा है। मैंने अनबॉक्स को अब तक मैंने ओपन नहीं किया है। एंड मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आज सुबह, कल रात को लिया था, आज सुबह बना रहा हूँ ये वीडियो। तो मैंने एक्चुअली प्लान किया था कि सोनी 7C लूँ, बट मेरा थोड़ा बजट इशू हुआ, थोड़ा कैन मतलब उसका लेंस वेंस नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मेरे को ये कैनन का कैमरा लेना पड़ा। R5 फुल फ्रेम है, पूरा मिररलेस फुल फ्रेम है, तो ये लेना पड़ा मेरे को। अभी भी कैनन का वाइड एंगल लेंस नहीं मिला है अब तक। वो बोले कि मैं जिस शॉप से लिया हूँ वो बोले कि 1-2 वीक में आ जाएगा, तो मैंने अभी तक वेट किया हूँ। मैं सिर्फ 15 लाया हूँ, उसके बाद 10 और 18 लाने वाला हूँ वीडियो के लिए। तो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं एंड उसके बाद 2-4 दिन के बाद आएगा उसका रिव्यू वीडियो कैसा है, कुछ मुझे तो पता नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन, तो देखते हैं अंदर बॉक्स में क्या क्या है, क्या क्या दिया है, मैंने क्या क्या दिया है, सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, मैं बहुत सारे अमेजिंग अपडेट्स देते रहता हूँ। एंड मैं सिनेमेटिक्स मेरा जो है, मैं जो कैमरा लाने गया था वो भी इंस्टाग्राम में पहले डालने वाला हूँ, उसके बाद ये ब्लॉग्स आएगा, तो मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना। सो चलते हैं एंड अनबॉक्स करते हैं कैनन R5। तो ये है कैनन R5, एक्चुअली RP है ये, कैनन RP। एंड मैंने उसके साथ दिया है एक फिल्टर दिया है उसका, UV प्रोटेक्शन वाला फिल्टर, ये वाला आई थिंक का सुपर DMC ED फिल्टर, UV फिल्टर। इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद ये मैंने मेमोरी कार्ड लिया है सैंटिक्स का, 64 170 MBPS का लिया है, बहुत अलग स्पीड वाला लिया है, क्योंकि मेरे को मतलब ज़्यादा मतलब मेमोरी कार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को बस क्या 2-4 मेमोरी कार्ड में कैरी करता हूँ। उसके बाद मैं हाइटिंग भी है वहाँ पर, मैं सब कुछ मतलब खाली करके, यहाँ से खाली करके वहाँ पर डाल देता हूँ, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा MB वाला मेरे को स्पेस वाला नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने 64 कर लिया है। तो उसके बाद मैंने 50 mm का एक लेंस, 50 mm का एक लेंस लिया है कैनन का, EF वाला लेंस। वो RP वाला लेंस नहीं था, तो इसलिए EF वाला लेंस लिया। तो EF लेंस लगाने के लिए कैनन RP में आपको एक अडाप्टर चाहिए, माउंट अडाप्टर, ये है माउंट अडाप्टर। इसको यहाँ पे लगाने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे लगाओगे, ये डायरेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये RF माउंट है, ये EF माउंट है, तो ये डायरेक्ट नहीं लगेगा, इसलिए आपको ये माउंटर, ये अडाप्टर चाहिए, तो इसलिए मेरे को ये अडाप्टर लेना पड़ा। तो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग कुछ चाहते हो तो आप लोग जाकर खरीद सकते हो। एंड हियर कम्स द बॉडी RP, मेन चीज़ है जो RP में। तो ये है बॉडी इसका कैनन R5, मैंने अब तक नहीं खोला है, कल रात को मैंने लाया था बट अब तक ओपन नहीं किया इसको। मैंने दुकान पे मना किया सेल में ओपन करूँ, मैं यहाँ पर अनबॉक्स करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्स, इसको पहले साइड में करते हैं। फिर इसका नाइफ, मेरा लाने वाला नाइफ, ये क्या है, एक कार्ड वर्ड टाइप है, इमेज कैनन का एक कार्ड है, कैसे क्या सब मतलब कहाँ पर अपलोड कर, मतलब वाईफाई से कैसे अपलोड करना है, मतलब ट्रांसफ़र करना है, ये इसका कार्ड है। एंड माइक पैड, मैनुअल बुक, मैं मतलब आज दिन भर ही पढ़ने वाला हूँ, आज पूरा ख़त्म करूँगा इसको मैनुअल का इसका। उसके बाद चार्जर है उसका, ये चार्जर एंड ये सब बैटरी, तो इसका बैटरी है, ये है चार्जर केबल है उसका, चार्जर केबल एंड
गया। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, उसका कुछ बुक है, कैमरा इमेजिंग यहाँ खड़े में कुछ बुक है, तो सबको साइड में रखते हैं। एक्सट्राइप क्या है, कैमरा आर का आरपी का एक्सट्राइप है, जो उसका बॉडी है ये जैसे पैकेजिंग अच्छा पैकेजिंग होता है। तो ओपन करते हैं सील को, इसको पहले साइड पर रखते हैं, इसको ओपन करते हैं। बॉडी क्या नाम आर टी का ये बॉडी है, ऐसा कुछ लिखता है उसका। मैं इसका सिनेमेटिक शॉट भी डालने वाला हूँ, तो आप ऐसे देख लो, ये फ्रंट वाला, ये साइड वाला, ये पीछे वाला, ये ऐसे एंड इसमें थोड़ा मतलब चार्ज नहीं डाला नहीं अब तक, तो चार्ज नहीं है इसमें। तो उसके बाद हम लोग इसमें तो वीडियो अभी बना नहीं सकता, वरना दिखा देता, ये 50 mm में तो वीडियो अभी आ नहीं सकता, मतलब उसका जो रेंज है वो आ नहीं सकता है, इसलिए मैं वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ। इसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वो लेंस एक अगले वीक को आने वाला है, वो लेंस जो मेरा जो वीडियो वाइड एंगल लेंस वाला वो उसमें आ जाए, उसके बाद उसको मैं दिखा दूँगा कि डिफरेंस वन प्लस एंड कैनन का डिफरेंस क्या है, वीडियो क्या है, मतलब क्लैरिटी क्या है, कितना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड मैं बहुत सारे ऐसे अमेजिंग वीडियोज लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरा मतलब कैमरा आ चुका है, तो अभी तो मतलब सब कुछ आने वाला है, लाइन बुक है सब कुछ, तो अभी नहीं किसी पर भी चार्ज नहीं है, बैटरी वैटरी चार्ज नहीं है, तो मैं अभी दिखा नहीं सकता। एंड ये तो मैं अभी मतलब खोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं अभी मैनुअल पढ़ने वाला हूँ, पूरा बुक आज ख़त्म करने वाला हूँ, उसके बाद सब कुछ करूँगा। तो अभी आज के लिए वीडियो इतना ही था, मैंने सिर्फ ये लाया था अनबॉक्स करने के लिए, अनबॉक्स किया एंड क्या नाम ये भी दिखा देता हूँ आपको, इसको साइड तक ये भी मतलब अभी फोटोग्राफी होगा थोड़ा, मतलब इसका फोटो थोड़ा खींचा जाएगा, इंस्टा में अपलोड होगा। आप अगर इंस्टा में मेरे को फॉलो नहीं करते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का दे दिया, और यहीं पर भी आता होगा क्या मतलब एम सार्थक, तो आप जाके फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में मेरे को। ये दिखा देता हूँ क्या है इसमें, ये वारंटी कार्ड है कैनन का, एंड उसके बाद एक मैनुअल बुक, उसके बाद ये लेंस, मैंने 50 mm लेंस लिया फोटोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए मैंने 50 mm लिया। तो ये रिटो लेंस, ये तो पीछे वाला है, ये सामने वाला, ऐसा कुछ दूसरा लेंस अंदर मतलब ऐसे देते हैं, क्योंकि अभी कुछ काम है। ये तो निकलेगा, आज निकलेगा ना तेरा मैनुअल पढ़ने का काम। मैनुअल बुक है उसका, एंड उसके बाद अच्छा पैकेजिंग है ये है, मतलब लेंस को ऐसे पैकेजिंग में देना चाहिए था, बट लोग ऐड कर दिया है पैकेजिंग में। ये उसका पैकेजिंग है, एडाप्टर का पैकेजिंग है ये, सो उसको ओपन करते हैं। फिल्टर तो आप लोग देखोगे, मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है,
मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मतलब अगर फार्मिंग करना चाहते हो देन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में भी इससे आ सकता है, अगर लेंस आ जाए मतलब आगे होगा तो इससे वीडियो आएगा, नहीं तो 1+2 घंटे में हो जाएगा। तो वीडियो आज के लिए इतना ही था, मेरा मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वीडियो बनाने के लिए, कैसा क्लैरिटी है, मतलब रिव्यू करने के लिए बहुत मतलब बता हूँ कैसा क्या सब उसका क्लैरिटी कैसे क्या बोलते हैं, सब कुछ अच्छा है फिल्टर में तो देखता हूँ। अभी भी मैं बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज लाने वाला हूँ, तो उसको पैक करके अंदर रख देते हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसका। तो आपको अगर कुछ भी चाहिए कैनन आरपी के बारे में, वीडियो डाउट है आपका कुछ और आपके पास कुछ वीडियो चाहते हो उसके बारे में, देन मेरे को कमेंट्स में बताओ कि मैं इसके बारे में क्या वीडियो बनाऊँ। रिव्यू वीडियो तो बहुत जल्दी मतलब नेक्स्ट वीक को आने वाला है, नेक्स्ट वीक को, बट आपको अगर इस बारे में किसी कैमरे के बारे में किसी वीडियो मतलब किसके बारे इस वीडियो के कैमरे के बारे में चाहिए कुछ वीडियो, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल गो एंड मेक इट। तो इसके लिए इतना ही था, आज इन्होंने जल्द बैठ गया एंड चलो गया।